नमस्कार, आज माइक खराब होने के कारण मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। आज नवरात्रा का पहला दिन है तो सभी को नवरात्रा की शुभकामनाएं। और आज नवरात्रा की पूजा करेंगे और उसके बाद धर्म यात्रा में जाएंगे और भी कार्यक्रम हैं वो सभी करेंगे। तो पहले करते हैं नवरात्रा की स्थापना, मातृका स्थापना, उसके बाद दूसरे काम करेंगे। देखिए माता जी मैंने बना दिए हैं, लगभग बना दिए हैं। अब जैसा मेरे को बनाना आता है वैसे मैंने बना दिए हैं, लेकिन मेरे को लगता है ठीक है, बढ़िया बने हैं, अच्छे बने हैं, सुंदर। माता जी पूरे बनाते हैं तो देख रहा है कैसे लगते हैं आप, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। हर साल बनाता हूँ, हर साल नहीं बनाता हूँ, क्योंकि सारी जो पूजा वगैरह है ना मंदिर में घर में नहीं करता हूँ, नहीं करता है। मंदिर के सारे काम मेरे जिम्मे ही है, मैं करता हूँ। ठाकुर जी का पूजन कर रहे हैं, आज नया संवत्सर है तो ठाकुर जी को नए वस्त्र धारण करवाए हैं और सभी को वो नया सा कर दिया है, मंदिर नया सा जगमग कर रहा है। तो सभी देवताओं की हम पूजा करेंगे और साथ में माता जी की भी पूजा करेंगे, माता जी का भी वंदन करेंगे। तो ये ठाकुर जी महाराज की जय। तो अब मैं जाऊंगा धर्म यात्रा में। धर्म यात्रा हर साल हमारे शहर में होती है तो हजारों लोग इसमें भाग लेते हैं। तो मैं इसमें भाग तो नहीं लेता, लेकिन मैं इसे देखने ज़रूर जाता हूँ, कितने लोग आते हैं, कैसे प्रदर्शन होते हैं। आज रामनवमी है तो सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। नवरात्रा का आज नौवां दिन है तो आज नवरात्रा की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आज नवरात्र अनुष्ठान को संपन्न करेंगे, हवन करेंगे, हवन के बाद इसका प्रसाद करेंगे और सभी लोग हम प्रसाद खाएंगे। हमने बच्चों को बुला रखा है, बच्चों को भी प्रसाद खिलाएंगे। तो आप भी इस भक्ति में सरोवर होइए और हवन और प्रसाद का आनंद लीजिए। तो पूजा वगैरह सब संपन्न हो गई है तो प्रसाद देखते हैं, प्रसाद कैसा बना है। प्रसाद हमेशा अच्छा ही होता है, मीठा होता है। आज खीर पूरी सब्जी हमारे यहाँ बनी है तो देखते खीर कैसी बनी है।
कहते हैं बहुत जोरदार प्रसाद, वैसे तो अच्छा ही होता है लेकिन आज की बहुत जबरदस्त हुई। तभी तो मैं ये प्रसाद खा रहा हूँ, थोड़ी देर में मेरे भांजा वगैरह बच्चे आएंगे खाना खाने के लिए, उनको बहुत ही अच्छी लगेगी ये। और मुझे भी बहुत पसंद है, अभी सभी बच्चों को बुलाया है खाना खाने के लिए, अभी वो सभी आ रहे हैं। पापी जी।